जिला पुलिस प्रशासन एवं एंटी करप्शन फाउंडेशन द्वारा आज आईटीआई गिरी मंदिर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने शिरकत की। इस कैंप में स्थानीय लोगों व पुलिस के जवानों द्वारा रक्तदान किया गया। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने बताया, रक्तदान करना किसी को जीवन देने के समान है। अगर आप रक्तदान करते हैं तो जो लोग सड़क पर एक्सीडेंट होने के कारण अस्पताल में आते हैं, आपके रक्त से उनका जीवन बच सकता है। युवाओं से भी पुलिस अधीक्षक की अपील थी कि युवा रक्तदान जरूर करें, क्योंकि रक्तदान करने से आपके शरीर का कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि किसी ऐसे इंसान की जान बच सकती है जो जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहा हो। आज एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो हमारे यमुनानगर शहर की एक अग्रणी गैर सरकारी संस्थान है, उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट के सहयोग से इस ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। तो यहाँ पहुँच के मुझे बहुत खुशी हो रही है, और पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो भी इस कैंप में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अब तक लगभग 20 यूनिट्स डोनेट हो चुकी है, और 2 या 3 बजे तक ये कैंप चलेगा, तो टारगेट 100 यूनिट्स को कलेक्ट करने का। ब्लड डोनेशन होते रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जितने भी पेशेंट्स हैं, चाहे खासतौर पे जो रोड एक्सीडेंट के पेशेंट हैं, उन पर एकदम से ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे जितने भी ब्लड बैंक हैं, चाहे वो सरकारी के प्राइवेट हैं, उनमें पर्याप्त मात्रा में ब्लड की अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के कैंप्स का आयोजन लगातार होता रहे। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि यमुनानगर जो ज़िला है, वो अगर हरियाणा की हम पूरी बात करें तो जो अग्रणी 2-3 ज़िले हैं उनमें आता है। युवाओं के लिए संदेश यही है कि ये इस तरह के जो प्रोग्राम हैं, जो कम्युनिटी सर्विस के लिए, ब्लड डोनेशन से बड़ा कोई दान नहीं है। आप अपने शरीर का एक हिस्सा किसी के लिए दे रहे हैं, और किसके लिए दे रहे हैं ये भी आपको नहीं पता होता। आपका जो ब्लड है वो ब्लड बैंक से किस जाति के, किस धर्म के पेशेंट को जाएगा, वो भी आपको नहीं पता। तो ये जो एक दान है वो बिल्कुल स्वार्थ से ऊपर उठ के हम करते हैं। हमें किसी प्रकार का, हमारा नाम हो कहीं, हमारा कोई स्तुति गान हो, इस तरह की हमारी कोई इच्छा नहीं होती ऐसा दान। तो युवाओं से मैं कहूँगा कि बढ़ चढ़ के ब्लड डोनेशन में हिस्सा लें। और अब तो ये मेडिकली बिल्कुल प्रूव हो गया है कि ब्लड डोनेशन से आपके शरीर को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। जो ब्लड है वो आपका बहुत थोड़े समय में रिप्लेनिश हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि ब्लड डोनेशन का जिक्र इवन आयुर्वेद में है। आयुर्वेद का भी एक, अगर ब्लड के शुद्धिकरण की हम बात करें, तो वहाँ पे भी ब्लड को शरीर से बाहर निकालने की परंपरा का जिक्र किया गया है। जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके शरीर का शुद्धिकरण भी होता है। मेरा ये मानना है कि ब्लड डोनेशन बहुत ज़रूरी है। जो युवा है वो बढ़ चढ़ के ऐसे कैंप्स में हिस्सा लें, और इस तरह से हम कहीं ना कहीं समाज सेवा में अपना कुछ ना कुछ जो पार्टिसिपेशन है वो कर सकते हैं। आप ये देखना कि जब भी ब्लड डोनेशन कैंप होता है, और हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, अगर हम उनको कॉल करते हैं, उनको एक मैसेज देते हैं कि आप जाइए और आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, तो आप हमेशा देखना कि ब्लड डोनेशन कैंप में पुलिस का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहता है। इनफैक्ट कई कैंप को एक्सक्लूसिवली पुलिस के एम्प्लॉइज ही ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें ज़्यादातर डोनर्स पुलिस के एम्प्लॉई होते हैं। तो पुलिस का हमेशा बहुत एंथुजियास्टिक पार्टिसिपेशन ब्लड डोनेशन में रहता है।